फाइन लाइन्स, स्माइल लाइन्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, सैगी और डल स्किन, अगर ये सभी साइंस ऑफ एजिंग आपको परेशान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। आज मैं आपके साथ एक एंटी एजिंग सीरम प्रिपेयर कर रही हूँ, और ना सिर्फ प्रिपेयर बल्कि किस प्रोसेस के तहत आपको इसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको दिखाने वाली हूँ। यकीन मानिए, आपके चेहरे पर जो भी समस्या फिलहाल है, जिसको आप साइंस ऑफ एजिंग कहते हैं, वो किसी ना किसी मात्रा में अवश्य कम होगी। जरूरत है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखने की, समझने की और फिर थॉटफुली इसको एग्जीक्यूट करने की। अगर इतनी सी चीज आपने कर ली ना, तो यकीन मानिए आप बेहद खुश हो जाएंगे अपनी स्किन को लेकर, जो कि काफी हद तक अपलिफ्ट हो जाएगी। रेडी एवरीबडी, आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। प्रीति प्रेरणा के परिवार के प्रत्येक सदस्य का उनके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बेहद खुश हैं। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका शेयर करने के लिए आई हूँ, जिसको फॉलो करके आपको इंस्टेंटली दिखेगा कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई है, टोन्ड हो गई है, बेटर ऑफ हो गई है। और जो सीरम हम लगाने वाले हैं, इसके एप्लीकेशन के बाद आप अवश्य आकर कहेंगे कि भाई वाह, कमाल हो गया, ये तो फिलर्स जैसा काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये ऐसा काम करेगा, बस विश्वास रखिएगा, जैसा बताया है एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिएगा। फॉर स्टेप नंबर वन, आपको अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। अगर आप कोई ऐसे जन है जो कि मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप माइसलर वाटर का इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से माइसलर वाटर अपने चेहरे पर स्प्रे करने के बाद इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दीजिए। अगर आप मेकअप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई भी काजल या कोई भी डिपॉजिशन जो आपके चेहरे पर है वो हट सके। अगर आप कोई ऐसे जन है जो घर पर ही रहते हैं और ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है, काजल या मेकअप, तो आप सिर्फ फेस वॉश से अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं और उसके बाद पैड ड्राई कर लीजिए। इसके बाद आता है स्टेप नंबर टू, जिसके लिए टोनर आपको प्रिपेयर करना है। और ये टोनर आप अगर ये पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर इसके रिजल्ट्स आपने देख लिए ना, आप बोलेंगे अरे इसी से सारे के सारे साइंस ऑफ एजिंग ठीक हो रहे हैं, सीरम की क्या जरूरत है। लेकिन सीरम इसको बेटर ऑफ करने के लिए है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आर एंटी एजिंग टोनर, जो कि बहुत कमाल का है। इसकी खुशबू सुनकर आप कहेंगे अरे ये DIY है क्या। लिटरली बाहर के टोनर जैसी खुशबू आती है। आप इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, पर क्योंकि गर्मियां हैं, आई वुड इंसिस्ट कि आप इसको फ्रिज में स्टोर कीजिए और ठंडा ठंडा अप्लाई कीजिए। यही एक बहुत बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट आपके लिए बनने वाला है, आपको प्यार हो जाएगा इससे, यकीन मानिए। और यकीन के साथ इसको प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए, जिसमें आपको 1 से 1.5 कप पानी लेना है। इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। जब ये बॉईल होने लग जाए तब आप इसमें इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जिनका काम ही आपके चेहरे को, आपकी स्किन को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करना है, आपकी स्किन पर किसी भी टाइप ऑफ साइंस ऑफ एजिंग जो आ रही है उसको एड्रेस करना है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कैमोमाइल फ्लावर। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ही रखता है। जी हाँ, इसकी टी अगर आप पीते हैं तो ये आपकी स्किन को अंदर से एड्रेस करता है। लेकिन इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन आपकी स्किन पर साइंस ऑफ एजिंग, टोनिंग, स्ट्रेचिंग, मतलब अगर आपकी स्किन आपको डल और सैगी फील हो रही है ना, ये इंग्रेडिएंट उसी चीज को एड्रेस करता है और एक रिफ्रेशमेंट आपके चेहरे को देता है। इंग्रेडिएंट नंबर टू इज ग्रीन टी, जो कि बहुत 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 आसान है, बहुत आसानी से आपके नियर बाय ग्रोसरी में मिल जाती है। बस इसको लेकर आइए और 2 सैशेज ले लीजिए। कैमोमाइल के फ्लावर्स ड्राइड फॉर्म में इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपके आसपास नहीं अवेलेबल है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का आपको यहाँ पर इन्फ्यूजन करना है। कैमोमाइल फ्लावर्स को मैंने एक सैशे में, जो कि एम्प्टी टी बैग्स आते हैं, इसमें फिल कर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच, और इसको अच्छे से बंद करके एक सैशे प्रिपेयर कर दिया है। और 2 ग्रीन टी बैग्स मैंने अलग से सेपरेटली ले लिए हैं। इन तीनों ही चीज़ों को आपको उबलते हुए पानी में इंट्रोड्यूस करना है, ताकि वो जो डांसिंग वाटर है वो इसके इंग्रेडिएंट्स की जो न्यूट्रिटिव पावर है उसको अपने अंदर ले सके और बेहतरीन टोनर प्रिपेयर कर सके। देखिए, नॉर्मली हम इन्फ्यूजन पानी के अंदर करते हैं और फिर स्ट्रेन करते हैं, तो स्ट्रेन करने में कुछ ना कुछ ग्रैन्यूल आ जाते हैं। टी बैग की वजह से कोई भी ग्रैन्यूल इसमें नहीं बचेगा। जब ये ठंडा हो जाए, आप इसको स्ट्रेन करके एक स्प्रे बॉटल में ले लेंगे और इसका ठंडा ठंडा एप्लीकेशन अपने चेहरे पर करेंगे।
इसको ट्राई करने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार वापस आके इस वीडियो पर लिखकर बताए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये बहुत खुशबूदार है, ये बहुत ही अमेजिंग है। इसको अच्छे से स्प्रे करने के बाद जस्ट हल्का हल्का टच कर लीजिए अपने फेस को एंड लेट इट बी, नॉर्मली सूखने दीजिए और फिर बताइएगा क्या हुआ। आपकी स्किन आपको इतनी टाइटन महसूस होगी, इतनी बेटर ऑफ महसूस होगी कि आप बोलेंगे कि भाई इसी ने एंटी एजिंग का काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल कर दिया है, लेकिन इसके बाद हम रुकेंगे नहीं। स्टेप नंबर 3 इज एप्लीकेशन ऑफ अ सीरम। अब सीरम का मतलब हम लोग समझते हैं कि एक ऐसा पोशन जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पॉसिबली कुछ केमिकल्स होते हैं, हाइपर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि सीधा हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं। बस यही सीरम हम घर पर प्रिपेयर करने वाले हैं, बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप खुद देखेंगे अपने सामने इसको प्रिपेयर होता हुआ। इसकी कंसिस्टेंसी मैंने काफ़ी ज़्यादा थिन रखी है, आप चाहें तो इसको थिकर भी कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। सीरम के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको एक पॉट लेना है और इसमें आपको लेना है 1 कप पानी। पानी अगेन पीने वाला हो तो बहुत ही बढ़िया। इसमें आपको इन्फ्यूजन शुरू करना है। सबसे पहला इन्फ्यूजन जो मैंने यहाँ पर किया है वो है 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स, लेकिन ये फेनुग्रीक सीड्स मैंने एक रात पहले भिगा दिए थे, इसीलिए ये भीगे हुए फेनुग्रीक सीड्स हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर लिए हैं और जो फेनुग्रीक का पानी था एक्स्ट्रा जो कि पीला हो जाता है बिल्कुल नेक्स्ट डे, वो भी मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि वो भी अच्छे से बॉइल होके वो प्रॉपर्टीज पानी के अंदर रिलीज कर सके। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है पोमोग्रेनेट के छिलके। जी हाँ, अनार के छिलके। आप बोलेंगे अरे ये कैसे हुआ। देखिए अनार के छिलकों के बारे में मैं चाहती हूँ आप जाकर पढ़िए कि इनमें क्या क्या कमाल की चीज़ें होती हैं, बायो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। और मैं पहले भी अपने परिवार को कई बार बता चुकी हूँ कि अनार का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसका तना, जिसकी रूट्स, जिसके पत्ते, जिसके ब्रांचेस, जिसका फ्रूट, सीड्स, एवरीथिंग इज गुड फॉर द स्किन। आप उसको ड्राई करके पाउडर्ड फॉर्म में रख सकते हैं और फिर भी वो आपकी स्किन के लिए ना ऐसा मास्क प्रिपेयर करेगा ना, आप बोलेंगे अरे हमने तो सिर्फ पाउडर लगाया है। जी हाँ, इट्स दैट पावरफुल, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फुल ऑफ विटामिन सी, बायो एक्टिव एंजाइम्स जो कि बहुत एक्टिवली आपके फेस के लिए उन साइंस ऑफ एजिंग से लड़ते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा सा फ्लॉलेस स्किन देते हैं। तो बस यही हमने यहाँ ऐड किया है, ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 पील, आप देख सकते हैं मैंने कितना लिया, बस इतना ही आपको यहाँ ऐड करना है। जब ये अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा आपको दिखेगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा लेटर ऑन, जब ये थोड़ा सा इन्फ्यूजन कर देगा पानी के अंदर। थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है वो है 1 टेबलस्पून ऑफ अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि एलोवेरा जेल के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया है और पानी में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि जब ये अच्छे से खोल के खिटेगा, थोड़ा कम होगा तो ये स्लाइमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा अपने आप फ्लैक्स सीड्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है जब गर्म पानी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो बस यही स्टिकीनेस हमें चाहिए। लेकिन अगर आप फ्लैक्स सीड्स जेल के लिए कम्फर्टेबल नहीं है तो आप थर्ड इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस ना करें, दोनों ही चीज़ों को अच्छे से खोलने दीजिए, खिटा लीजिए, 2 से 3 बड़े चम्मच रहने दीजिए और उसके बाद आप उसमें एलोवेरा जेल, ठंडा होने के बाद एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ और इसको अच्छे से खोलने दे रही हूँ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स। जी हाँ, 10 मिनट बहुत अच्छी तरह से आपको चाहिए कि अच्छे से खोले और सारे के सारे जो इंग्रीडियंट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन पानी के अंदर रिलीज कर दे। आपको दिखेगा जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो काफ़ी चिकने हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो स्लाइम है वो पानी में इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो आपने फेनुग्रीक सीड्स लिए थे वो अच्छे से फूल जाएंगे और बहुत आसानी से पिचक पाएंगे अगर आप ट्राई करें उसको टच करने का। और जो आपने अनार के छिलके लिए थे वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा पिगमेंट, अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन पानी में रिलीज कर दिया है। और इसके बाद जब आपको दिखे कि ये बहुत कम रह गया है आप गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा आप इसको छान कर अलग ले लेंगे और अगेन ठंडा होने देंगे। जी हाँ, हमें बिल्कुल गर्म में भी नहीं छानना है और बिल्कुल ठंडा हो जाए तब भी नहीं छानना है, जब मॉडरेटली बिल्कुल गुनगुना है तब आप इसको छानकर अलग ले लीजिए। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक चाहते हैं तो और खोला लीजिए, फ्लैक्स सीड्स की मात्रा बढ़ा लीजिए, तब ये बिल्कुल जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। इसके बाद आपको अलग से एक बोल में लेना है 1/2 कप के बराबर गुलाब जल
और इसमें आपको लेना है ऑरेंज पील पाउडर। आप सभी जानते हैं ऑरेंज पील पाउडर विटामिन सी कंटेंट को बहुत अच्छी मात्रा में अपने अंदर रखता है और ये टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, इसीलिए हमने इसको गर्म पानी में इंट्रोड्यूस नहीं किया, अलग से गुलाब जल में हमने इसको रूम टेम्परेचर पे फ्यूज किया है। 10 से 15 मिनट के बाद आपका जो ऑरेंज पील पाउडर है वो भी अच्छे से इन्फ्यूज हो चुका है और आपने जो डिकॉक्शन प्रिपेयर किया था गैस पर वो भी कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। एक बड़े बोल में आप इसी डिकॉक्शन को ले लेंगे और जो ऑरेंज पील पाउडर है इसको आप छान कर यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग की आवश्यकता यहाँ इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो हमने फ्लैक्सीड जेल का जो डिकॉक्शन बनाया था वो थोड़ा सा स्लाइमी होता है और बहुत आसानी से चीज़ों को अपने अंदर इन्फ्यूज नहीं होने देगा, इसीलिए हम हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और आपका वो खुशबूदार, बहुत ही आलीशान, बहुत ही अमेजिंग डू इट योर सेल्फ एंटी एजिंग सीरम बनकर रेडी हो चुका है। इसको आप एक कांच की बॉटल में प्रेफरेबली स्टोर कर लेंगे और ड्रॉपर की मदद से ही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आपको इसे टच नहीं करते रहना है क्योंकि हाथ कई बार गंदे होते हैं, यू नो हमारा जो ब्लेंड है वो ख़राब हो जाता है, तो आप अलग से एक ड्रॉपर रख लीजिए, इसी ड्रॉपर में इसको फिल कीजिए। इसीलिए मैंने कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी पतली रखी है ताकि ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जा सके। अगर आप इसको थिक कर देंगे, फ्लैक्सीड जेल की क्वांटिटी बढ़ा कर या जैसे भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा यू नो थिक हो जाएगा, फिर आपको हाथ से ही लेना पड़ेगा और ड्रॉपर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ड्रॉपर से आप लेंगे आराम से अपनी पूरी स्किन पर, यू नो 3 से 4 ड्रॉप्स इज जस्ट सफिशिएंट, और इसको अच्छे से जेंटली अपनी स्किन पर मसाज करते हुए अपनी स्किन को पिला देंगे ताकि वो बहुत अच्छे से रेजुवेनेट हो जाए। किसी भी तरह से इसको सुखाने की कोशिश मत कीजिएगा, हवा हवा कुछ नहीं करना है, लेट द स्किन ड्रिंक इट और फिर आप देखिएगा फेनोग्रीक अपने आप में इतनी कमाल की चीज़ है कि आपकी स्किन इतनी टाइटन फील होती है उसको यूज़ करने के बाद। और हमारे सीरम में और क्या है, फेनोग्रीक ही है, वो कमाल का स्ट्रेच आपको आपकी स्किन पर महसूस होने वाला है जब आपकी त्वचा इस सीरम को अच्छे से पेनिट्रेट करने दे, अच्छे से पी जाए, आपकी स्किन एकदम रेजुवेनेट हो जाए। इसके बाद आप मॉइस्चराइज अवश्य कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर कोई भी ऑयल बेस्ड चीज़ यूज़ नहीं की है, इसीलिए प्लीज़ आप अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए क्योंकि कई लोगों के लिए फेनोग्रीक काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग भी हो जाता है अगर रिपीटेडली ट्राई किया जाए। इसीलिए अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए सीरम के ऊपर और उसके बाद सो जाइए। वैसे तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप रात के समय इसका इस्तेमाल करें ताकि ओवरनाइट ही आपकी स्किन पर रहे और वो मैजिक करे ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठें आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस और काफ़ी खुश हो जाए। लेकिन अगर आप सुबह के समय करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप सुबह कीजिए, दिन में कीजिए, रात को कीजिए, बट रात को मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि लंबे समय के लिए स्किन पर रहेगा, दैट्स इट, राइट। तो आप इसको जैसे कंफर्टेबल है वैसे ट्राई कीजिए। बच्चों के लिए सीरम्स नहीं होते हैं, उनके लिए सिर्फ मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल कीजिए और उनकी स्किन को अच्छे से अभी बनने दीजिए, अभी तो बनी ही नहीं है ना, इसलिए बच्चों पर ट्राई मत कीजिए। इस सीरम के बाद आपको बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है और आपको लगेगा कि रोज़ हम इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फेनोग्रीक यूज़ हुआ है तो मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप इसको हर रोज़ ना करके ऑल्टरनेट डेज ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जस्ट डोंट वरी। कौन सा एक दिन का एप्लीकेशन आपका नेक्स्ट डे नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऑल्टरनेट डेज ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या स्किन ड्राई हो रही है तो आप 2 दिन में एक बार इस सीरम का इस्तेमाल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मैं दोनों ही चीज़ों को फ्रिज में रख रही हूँ और ठंडा ठंडा एप्लीकेशन कर रही हूँ एंड आई एम लविंग इट। अगर आप कोई ऐसे जन है जिनको रिंकल्स या फाइन लाइंस की स्पेसिफिक इशू है तो वहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा थिकर वर्जन लगा सकते हैं। ऑल्सो आप इसको जो भी शीट मास्क होते हैं उसमें डिप करके भी अपने पूरे चेहरे पर लगा कर रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई परेशानी नहीं है। आपकी स्किन पर आपको वो जो ग्लॉस है ना, बस वो दिखने वाला है और आप काफ़ी खुश होने वाले हैं। जब आपको रिजल्ट्स मिलें, आप खुश हो जाएं, तो अपना एक्सपीरियंस, अपने रिजल्ट्स हमारे साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में विद समथिंग मैजिकल। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर आई लव यू।